तो आज मैं आपको सिर्फ 5 से 10 हज़ार में किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलाने वाला हूँ। वो इन्फोसिस हो सकता है, वो IBM हो सकता है, वो टेक महिंद्रा हो सकता है, HCL हो सकता है, विप्रो हो सकता है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली फंडामेंटल क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि आपके पास किसी भी कंसल्टेंसी का या किसी भी फ्रेंचाइजी का कॉल आता है एंड वो आपको बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है इन्फोसिस के साथ में या विप्रो के साथ में या HCL के साथ में, और वहाँ पे आपको 5 से 10 हज़ार रुपये अमाउंट देना है एंड इसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। या कई बार के केस में क्या होता है कि आपका पहले वो इंटरव्यू शेड्यूल करा देते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कराने के बाद में आपको किसी लोकेशन पे बुलाते भी हैं कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो इस लोकेशन पे होने वाला है और आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते भी हो। इवन कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर तक सिटी में चले जाते हैं कि सपोज 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर सिर्फ वो इंटरव्यू देने चले जाते हैं उस कंपनी का नाम सुन के कि नहीं यार मेरा विप्रो में इंटरव्यू हो रहा है, मेरा IBM में हो रहा है, मेरा टेक महिंद्रा में हो रहा है या मेरा TCS में हो रहा है। तो 1500 किलोमीटर वो इंटरव्यू देने वहाँ पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आपको एक बेहतरीन से कैबिन में बैठाया जाता है, आपका इंटरव्यू होता है, देन आपको बोला जाता है कि आप बाहर वेट करो 5 से 10 मिनट और कंपनी से हम बात करके आपको बता रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप बाहर वेट कर रहे हो तो अंदर डिस्कशन चल रहा होता है एंड उस डिस्कशन के बाद में आपके पास कुछ फर्जी ऑफर लेटर आपको वहाँ दिखाए जाते हैं कि ये आपका सैमसंग से सिलेक्शन हो रहा है, ये आपका TCS से हो रहा है, ये विप्रो से हो रहा है, आपको कौन सी कंपनी में आपको जाना है या कौन सी कंपनी में आपको काम करना है। बट इनिशियल ऑफर रिलीज करने के लिए, ऑफर देने के लिए आपको 10,000 अमाउंट देना पड़ेगा, 5,000 या 15,000 वॉट एवर अमाउंट दे आर आस्किंग वो आपको देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा उस कंपनी में। तो इस तरीके से वहाँ पे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं बट ये बिल्कुल फेक होता है। इवन दोस्तों एक बार ये मेरे साथ भी हुआ था, उस टाइम की मैं बात बताऊँगा 2016-17 की, 16-17 की। तो मैं उत्तर प्रदेश से यानी कि कानपुर से मैं चला गया था सिर्फ इन्फोसिस का नाम सुन के इंटरव्यू देने चंडीगढ़, और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक छोटा सा केबिन बना हुआ था, एक आउटर में कोई लोकेशन थी और वहाँ पे मैंने जाके देखा तो मुझे लगा कि नहीं इन्फोसिस जैसी कंपनी तो यहाँ पे नहीं आ सकती। तो वहाँ पे 10,000 रुपये की डिमांड थी तो वो मैंने जमा नहीं किए थे एंड वहाँ पे फिर मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया था। मेरे साथ और भी 2-3 ऐसे बंदे थे जो वहाँ पे मिल गए मुझे, UP के ही थे। तो वो सब देख के लगा कि नहीं इन्फोसिस जैसी कंपनी यहाँ पे नहीं आने वाली, तो उस टाइम मैं फेक से बच गया था एंड तभी ये थॉट्स आया मेरे मन में कि नहीं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो मेरे कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि इंटरव्यू के लिए किसी भी तरीके का 1 रुपया चार्ज नहीं देना है किसी को भी। अगर आपकी आपके पास कंपनी के डोमेन से कॉल आता है तभी वो टेस्टेड हो सकता है, जैसे TCS का अलग डोमेन होता है, विप्रो का अलग डोमेन होगा, या डोमेन अगर मैं बोलूँ तो @wipro.com, @tca.com, @hcl.com, तो ये जो डोमेन होते हैं उसके डोमेन से ही अगर कॉल आए तभी आप मानना कि हाँ वो रियल है। एंड अगर आप कंसल्टेंसी फ्रेंचाइजी के थ्रू जा रहे हो तो किसी भी तरीके का चार्ज आपको नहीं देना है वहाँ पे, फिर वो रियल नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड इसके बाद अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे डिस्कस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। बट वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है 199 फॉर up to 1 month। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।